देखिए, सनातन धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं है, पुरातन ही सनातन है। और अगर मुझे मुसलमान पैदा होना होता तो भगवान मुझे मुसलमान के घर में पैदा करता, अगर मुझे क्रिश्चियन होना होता तो क्रिश्चियन के घर में पैदा होता। आपको एक जिम्मेवारी दी गई है सनातनी, अगर आप क्रिश्चियन के घर में पैदा हो तो क्रिश्चियनिटी अपना के रखिए, क्यों छोड़ते हैं उसको। सनातनी हो, सनातन के घर में पैदा हुए तो सनातन बन के रहो। भगवान के फैसले को आप बदलने की बात करते हो तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। और आपके चैनल के माध्यम से नई लाइनें जोड़ रहा हूँ, कश्मीर सजाया है पीओके भी सजाएंगे, कश्मीर सजाया है पीओके भी सजाएंगे, मंदिर भी सजाएंगे, गुरु घर भी सजाएंगे, मंदिर भी सजाएंगे, गुरु घर भी सजाएंगे, जब जब हम आएंगे दिल जीत के जाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए, अभी यहाँ विश्व सनातन धर्म सभा की ओर से खाटू श्याम जी का और राम जी की भजन संध्या है, उसी के उपलक्ष्य में मैं यहाँ आया हूँ। और हमारे बड़े भाई तरुण जी यहाँ रहते हैं तो इनके पास आना लाजमी था, और यहाँ इनके पूरा अमृतसर इनका परिवार है ये देखने को मिल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। नहीं, हम तो राम प्रचार करते हैं साहब, और राम जी के प्रचार के लिए यहाँ आए हैं, और यही कर कल हम लोगों का कार्यक्रम पटियाला में है, परसों जगराओ है, तो पंजाब में यही चल रहा है। कल नकोदर था, परसों बठिंडा था, उससे पहले संगरूर था, तो जहाँ राम जी ले जाएंगे वहाँ ले जाएंगे। कन्हैया जी, लोग आपको सुनते हैं, आप सनातन धर्म का जैसे प्रचार करते हैं, तो आज गुरु की नगरी, इस मुकद्दस पवित्र नगरी में पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पहुंचकर? देखिए, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस पंजाब के अंदर मैंने एक बात भी बोली है कि एक झंडा होना चाहिए 125 फुट ऊँचा, जिसके जो कि भगवे रंग का हो, जिसके एक तरफ लिखा हो सतनाम वाहेगुरु और एक तरफ लिखा हो जय श्री राम। गुरु की नगरी में आना बहुत सौभाग्य की बात है। आपके घर कीर्तन हो तो भाग्य होता है, लेकिन गुरु की नगरी में आओ तो सौभाग्य होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज सिर्फ राम जी के भजन नहीं, कोई गुरु जी की विशेष कृपा मुझ पर है जो मैं अमृतसर में गाने के लिए आया हूँ। क्योंकि जब जब भजन होता है, तो सुमिरन होता है, तो वो सारे पीरों के, फकीरों के, संतों के, गुरुओं के मार्फत ही होता है और उन तक पहुँचता है। जो लोग सनातन धर्म का साथ छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सनातन धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं है, पुरातन ही सनातन है। और अगर मुझे मुसलमान पैदा होना होता तो भगवान मुझे मुसलमान के घर में पैदा करता, अगर मुझे क्रिश्चियन होना होता तो क्रिश्चियन के घर में पैदा होता। आपको एक जिम्मेवारी दी गई है सनातनी, अगर आप क्रिश्चियन के घर में पैदा हो तो क्रिश्चियनिटी अपना के रखिए, क्यों छोड़ते हैं उसको। सनातनी हो, सनातन के घर में पैदा हुए तो सनातन बन के रहो। भगवान के फैसले को आप बदलने की बात करते हो तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। आदमी को अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए। गाड़ी गई हुई वापस आ सकती है, शोहरत गई हुई वापस आ सकती है, धर्म गया हुआ वापस आना बड़ा मुश्किल है। कहा जाता है मित्तल साहब कि आप इस भजन संध्या में कोई प्रोग्राम होता है पैसे नहीं देते, फीस नहीं देते, क्या ये सच है या ये कैसे? नहीं, हम लोग फीस चार्ज करते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत होती है, जहाँ लगता है कि झुग्गी झोपड़ियों में बताओ कौन पैसा देगा, तो वहाँ जाकर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कीर्तन करते हैं। और अमूमन ये कार्यक्रम चलता रहता है, जहाँ जरूरत पड़ती है पैसे वालों से पैसे लिए जाते हैं साहब। जिसके पास नहीं है तो क्या उसके यहाँ कीर्तन नहीं होगा, भजन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, करने भी जाते।